Now we will go towards the chapter जो last में हमने छोड़ा था कि यहाँ पर हमने छोड़ा था कि माँ के womb तक हम पहुँचे थे. दो stages ऐसे आए थे उसमें कि कौन-कौन सी तकलीफें थी. First ये था कि उसको उस वक्त wrinkle उसके चेहरे पे पड़ी. तकलीफ पहली ये थी उसकी कि उसको अपने ही घर से ही निकाला गया है. ठीक है, अब next उसकी ये हुई कि उसको जब बच्चे जब उसकी शादी हुई उसके बाद ये राइटर कह रहा है कि और एक टाइम ये आया कि जब मैं परवरिश कर चुका था आपके वॉम में, तो ये दूसरी कुर्बानी थी माँ की. नाउ अब तीसरी कुर्बानी माँ की हम बयान यहाँ पर करने जा रहे हैं. अनदर रिंकल, अनदर रिंकल, और एक तकलीफ, वन मोर, और एक तकलीफ आपके लिए, वन मोर सेक्रीफाइस की बात हो रही है. When I suckered from breast, suckered की बात आ रही है, ये चूस लेना है. लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि राइटर इसको कि जब माँ जन्म देती है बच्चे को, फिर वो उसको दूध देती है, देती है ना ब्रेस्ट से, तो वो बच्चा जब ये कहता है कि और एक पहलू, और एक स्टेज फिर आ रही है आपकी माँ, स्टेज ये आ रही है आपकी क्या, और एक रिंकल आपके चेहरे पे आ रही है. वो ये है कि आपके जब मैंने जन्म लिया तो अब मुझे दूध पीना है, वो भी मुझे आपके सीने से ही दूध पीना है. वहां तो मुझे परवरिश मिली थी आपके वॉम से, आपके खून के साथ मिला हुआ था, आपके खून के साथ मिला हुआ था. यहां पर लीजिए, अब मैं दुनिया में आ चुका हूं, बट अब भी आपकी ही जरूरत है. यहां पर राइटर यही कह रहा है इसे कि अब भी आपकी ही जरूरत है मुझे, क्योंकि मुझे जरूरत है आपकी उस दूध की, क्योंकि मुझे जिंदा रहना है यहां पर. और ये भी साक्ष हो रहा है किससे, मां के ही सीने से हो रहा है. मां ही फ्रॉम योर ब्रेस्ट, आपके सीने से मुझे ये दूध भी मिल रहा है. द कॉम्प्लाइन ऑफ योर फेस स्टिल अनदर रिंकल. अब यहां पर कह रहा है ये राइटर, द कॉम्प्लाइन, आपकी खूबसूरती तो घटती जा रही है. कॉम्प्लाइन खूबसूरती, कॉम्प्लाइनस की बात आ रही है. ऑफ योर फेस, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती की बात मैं कर रहा हूं, तो वो अब खत्म होती जा रही है. जब तक बच्चा जन्म, देखिए एक बात मैं यहाँ पर आपको साइंटिफिक चीज बताना चाहता हूँ, जब तक बच्चा पैदा ना होगा किसी औरत तो तब तक उसकी चेहरे की दमक रहती है, उसकी खूबसूरती अच्छी रहती है. लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाती है. तो यहां पर ये थर्ड वन था, तीसरी इसकी कुर्बानी थी, तीसरी माँ की तकलीफ थी. और ये माँ इतना ही नहीं, दूध ही नहीं, ये इतना ही नहीं दे रही है बच्चे को, रात दिन रात ये बेदार रहती है किसके लिए, बच्चे के लिए, बच्चे को कोई तकलीफ ना आए, उसके लिए ये सब कुछ कर रही है यहां पर माँ. और यहां पर फिर हम नीचे जा रहे, स्टिल अनदर रिंकल, अब लीजिए और एक परेशानी, और एक परेशानी. When a girl took me away from you, oh my goodness, oh my God, oh my Allah, what is going here? ये कह रहा है माँ से, still another wrinkle. अब और एक परेशानी आपके लिए ये है कि मैं पढ़ गया, मैं बड़ा हो गया, but आपने मुझे एक अजनबी लड़की के साथ के हवाले किया. कहते हैं ना दिल पे पत्थर रखकर, माँ हर वक्त अपने दिल पे पत्थर रखकर ही अपनी तकलीफें झेलती रहते हैं, लेकिन अपने बच्चे पर उसका कोई असर आने नहीं देती है. यही यहां पर हो रहा है, स्टिल अनदर रिंकल. उस वक्त और एक परेशानी आपकी, जब आप मेरी शादी करते हो, जब मुझे शादी किया जाता है, जब मैं ए गर्ल, जब एक लड़की और क्या करती है, टुक मी अवे, वो मुझे आपसे दूर ले जाती है. आप देख रहे हो जब कभी शादी होती है तो लगभग जो मियाँ बीवी जब वो बनते हैं, थोड़े से वो माँ के दूर, माँ से दूर जाते हैं. देखिए होना नहीं चाहिए ऐसा, होना नहीं चाहिए ऐसा. माँ दिल में बसती है, माँ रग रग में बसती है, क्या माँ से कोई दूर जाएगा? नो, नेवर, मुझे नहीं लग रहा है. लेकिन मैं यहां पर ये बात कहना चाहता हूँ आपको कि ये कह रहा है राइटर के, शायद माँ से कह रहा है कि और एक परेशानी ये आपकी है, अभी तक मैं आपकी गोद में खेल रहा था, आपने मुझे शादी की, मैंने शादी की, अब यही लड़की मुझे आपसे दूर ले जा रही है. अवे तुम्हें, अवे ये मुझे आपसे दूर ले रही है, फ्रॉम यू तुमसे मुझे दूर ले जा रही है. आप ही ने मुझे मेरी शादी की, तो अब आपसे थोड़ी सी
दूर हो रहा हूं और एक परेशानी ये है यहां पर लीजिए, यहां तक लीजिए कितने परेशानी में परेशानी, फिर और एक यहां पर आ रहा है, मदर अब आपके पास कुछ है तो मैं बुक की जानिब जा रहा हूं, मदर माय मदर, फिर से कह रहा है राइटर, मां मेरी मां, टेकिंग कोरेज इन माय हैंड्स टुडे आई एम सीकिंग अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स ए कर्ल। अब देखिए क्या कह रहा है यहां पर, क्या कह रहा है यहां पर, मेरी मां टेकिंग कोरेज हिम्मत के साथ, आप हिम्मत के साथ ये राइटर कह रहा है, हिम्मत करते हुए ये यहां पर कोरेज वहां पर हिम्मत का कह रहा है, ये हिम्मत करते हुए कह रहा है इन माय हैंड्स टुडे, इन माय हैंड्स टुडे मेरे हाथों में आज, मेरे हाथों में आज आज आई एम सीकिंग, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं अपने हाथों में अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स, अपने हाथों से ढूंढ रहा हूं अंडर द स्किन आपके चेहरे पे आपके जलद पे ऑफ योर रिंकल्स आपकी चुरिया, आपकी चुरिया ए गर्ल, ए गर्ल आप एक जवान लड़की थी लेकिन आपके चेहरे पे चुरिया आ चुकी है, तकलीफों पे तकलीफ आपने बर्दाश्त किए हैं, तो होप कि ये दो स्ट्रिंग्स आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, इफ अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम कल नेक्स्ट स्टेंजा की जानिब जाएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।